अगर आपको कोई दिखाई देता है जिसके पास खाने को नहीं है तो आपका मन करता है ना उसको खाना देने का? यस, इसके लिए कोई सोचना नहीं पड़ता है, इट कम्स नेचुरल। तो काइंडनेस हमारा नेचुरल संस्कार है। कोई आपको दिखे कि वो चल नहीं पा रहे हैं, रोड क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हम उनको रोड क्रॉस करने में मदद करेंगे? नहीं करेंगे। करके क्या ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो भी हमारी मदद करें? एनी एक्सपेक्टेशन? तो काइंडनेस हमेशा निस्वार्थ होती है। काइंडनेस हमेशा निस्वार्थ होती है। निस्वार्थ मतलब स्व अर्थ कुछ नहीं चाहिए उसमें। किया और याद भी नहीं रहा कि किया। जिसको करने के बाद याद ही न रहे कि किया, एक्चुअली उसने किया नहीं था, परमात्मा ने उससे करवाया था। और ऐसे व्यक्ति के लिए फिर लोग कहते हैं कि वो हमारे जीवन में ना फरिश्ता बनकर आए थे। फरिश्ता बनकर आए किया उनके। तो जब हम पिक्चर्स में एंजल्स को देखते हैं तो एंजल के पिक्चर में एंजल कैसे दिखाई देता है? कैसे होता है एंजल? कलर कौन सा होता है? एंजल का कलर कौन सा दिखाते हैं फोटोज में? व्हाइट दिखाते हैं। और उनके पास क्या होता है? विंग्स होते हैं। कभी हमने देखा किसी को हवा में उड़ते हुए ऐसे व्हाइट कलर का? नहीं देखा। लेकिन इसका मीनिंग क्या है कि एंजल व्हाइट होता है और एंजल के पास विंग्स होते हैं। आप सब एंजल बनना चाहते हैं? आप सब एंजल बनना चाहते हैं? उसके लिए दो चीजें बनना पड़ेगा, एक व्हाइट और दूसरा ब्लैंक। ब्लैंक मतलब लाइट। आज ऑपोजिट होता है, कहते बहुत बोझ है, सर बहुत भारी है। जिसका सर भारी होता है मतलब वो लाइट का ऑपोजिट है। और फिर सर भारी खत्म करने के लिए हम चाय कॉफी। फिर जब चाय कॉफी असर करना बंद कर देती है कुछ और, फिर जब वो कुछ और भी असर करना बंद कर देता है तो कुछ और। पर एंजल हमेशा लाइट होता है। और लाइट होने के लिए पहले व्हाइट बनना पड़ता है। तो जो व्हाइट होगा वो लाइट होगा। व्हाइट मतलब प्योरिटी, आत्मा प्योर। जब यहाँ कुछ नेगेटिव सोच के दाग पड़ जाते हैं तो हमारा मन भारी हो जाता है। कभी भी देखो, आपको कोई चिंता है, कोई प्रॉब्लम का डिस्कशन अंदर माइंड में चल रहा है या किसी के साथ कॉन्वर्सेशन में चल रहा है, नेगेटिव बातें जब हम सोचते हैं, नेगेटिव मतलब कोई चैलेंज आया, क्या होगा, कैसे होगा, नहीं होगा, क्या होगा, होगा, इसने क्यों किया, उससे सोच बहुत सारी सोच, और उसकी एनर्जी हैवी होती है और नंबर बहुत ज्यादा होता है वो थॉट्स का, तो वो वाइट का ऑपोजिट हो गया, हैवी एनर्जी हो गई। तो जैसे हम हैवी थॉट्स क्रिएट करते हैं, एनर्जी डेंस हो जाती है बहुत, तो सर भारी लगता है। और जब सर भारी लगता है तो हम उड़ नहीं सकते, क्योंकि भारी चीज क्या हो जाती है? नीचे आ जाती है। तो हम अपनी स्थिति में क्या हो जाते हैं? नीचे आ जाते हैं। और जब हम इतने भारी हो जाते हैं तो हम दूसरों को सुख और शक्ति कैसे देंगे? हम चीजें दे सकते हैं, लेकिन हम सुख और शक्ति की अनुभूति कैसे कराएंगे किसी को, क्योंकि हमारे पास ही उस टाइम वो नहीं है। हम दे दूसरों को वो सकते हैं जो हमारे पास। अगर किसी के पास एजुकेशन है तो वो किसी को पढ़ा सकता है। किसी का हीमोग्लोबिन अच्छा है तो वो ब्लड डोनेट कर सकता है।
अगर कोई चाहे कि वो ब्लड डोनेट करना चाहते हैं लेकिन उनका खुद का हीमोग्लोबिन अच्छा नहीं है तो डॉक्टर उनको डोनेट नहीं करने देता है, मतलब आपका ही अच्छा नहीं है, आप दूसरे को कैसे देंगे। तो इवन अगर मेरे पास इच्छा है दूसरों को देने की कुछ, आई कैन नॉट गिव टिल आई डोंट हैव इट। अगर किसी को धन से सेवा करनी है तो उसके पास धन होना चाहिए, किसी को फिजिकली कुछ सेवा करनी है तो उसकी बॉडी में वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए। सो आई कैन ओनली गिव दैट व्हाट आई हैव। सो फर्स्ट आई शुड हैव एंड देन आई कैन गिव। इस समय दुनिया में सबको क्या चाहिए, किसी से घर में ऐसा टैप करके पूछो लाइफ में क्या चाहिए, बोलेगा ये चाहिए ये चाहिए, बोलो ये भी क्यों चाहिए, बोलेगा इसलिए चाहिए, फिर पूछो ये इसलिए भी क्यों चाहिए, पूछते पूछते जाना और क्या निकल के आएगा, क्या चाहिए क्या चाहिए, आपके शहर में लोगों को क्या चाहिए। आजकल शहर नहीं, आप दुनिया के किसी भी देश में चले जाओ, इट्स द सेम एवरीवेयर। मौसम ही वो चल रहा है, इसीलिए इस युग को क्या कहते हैं, तो कलयुग इज ऑपोजिट ऑफ व्हाइट। कलयुग मतलब काला रंग हो गया, काला रंग मतलब माय हैवी एनर्जी, कोई रंग तो है नहीं। तो जब युग कलयुग हो गया तब भी हमने कुछ नहीं किया तो धीरे धीरे वो कलयुग और कलयुग हो गया। आपको लगता है पिछले 10 साल में कलयुग और घोर कलयुग हुआ, किसको लगता है पिछले 5 साल में घोर कलयुग और घोर कलयुग हुआ। बाहर के हिसाब से तो स्वर्ग बनता जा रहा है, बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी बड़ी चमक चमक चमक। सो आउटर वर्ल्ड इज लाइक हेवन, बट इनर वर्ल्ड इज लाइक, इट्स लाइक आजकल लोग बोलते लाइफ इज एकदम हेल, खुद ही बोल देते हैं। कल सेंटर पर एक भाई आए, बहुत स्वीटली वो डिस्क्राइब कर रहे थे, कहते हैं आजकल क्या होता है, हम सुबह सुबह चाय पी रहे होते हैं, कहते लाइफ कितनी बोरिंग हो गई है, हम नॉट हैप्पी, चलो हम रिजॉर्ट में चलते हैं, बोर हो रहा है घर पे बैठ के। कहते उठते बारिश अच्छी मौसम है, खंडाला चले जाते हैं, फिर गए वहाँ एक दिन, कहते मजा नहीं आ रहा, महाबलेश्वर चलते हैं, शायद वहाँ की बारिश ज्यादा अच्छी होगी। ये वो नहीं शेयरिंग वाला है, वहां जाते थे कहते बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है, मजा नहीं आ रहा, घर चलते हैं। फिर घर पहुंचते कहते घर ही बहुत अच्छा है, अगले दिन कहते मन नहीं लग रहे हैं। Why? Because it's not about the place. It's not about the place. तो हमने काफी साल इस तरह से बिताए ये सोच सोच के कि जगह खुशी देगी, चीजें खुशी देंगे, लोग खुशी देंगे, अचीवमेंट्स खुशी देंगे, फिर हम चीजें खरीदेंगे। तो हम वो वाली जेनरेशन है जिसने अपने एक जीवन काल में इतना कुछ खरीदा है, हमारे पेरेंट्स ने पूरे जीवन में उतना नहीं खरीदा होगा जितने हमने कर, राइट और नो, राइट। एंड सब कुछ जब हम खरीद रहे थे तो हमने सोचा ये आ जाएगा तो हमारे जीवन को, ये आ जाएगा तो हमारे जीवन को। अब क्या है, अब खरीदने को भी बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं है, घूमने जाने को कोई जगह बची नहीं है, क्योंकि हमने सारी कंट्रीज भी टिक कर दी है, सारे शहर तो ना। फिर कोई कहता है मून पे जाएंगे, तो कोई कहता है कोई और प्लैनेट पे भी जाएंगे, अभी वो मार्जिन, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवल भी हो गया ना हमारा पूरा, जब तक नहीं होता ना पूरा तो एक वो रहता है, वहां जाएंगे ना तो मजा आएगा, वो करेंगे ना तो मजा आएगा, वो जाएंगे तो मजा आएगा। सो वी हैड दैट होप कि ये करने से मजा आएगा, ये करने से मजा आएगा, ये करने से आएगा। बट व्हेन यू डू इट ऑलमोस्ट ऑल, व्हेन यू गो ऑलमोस्ट एवरीवेयर, व्हेन यू बाय एवरीथिंग दैट्स अवेलेबल, देन द सोल सेज नाउ व्हाट नेक्स्ट, क्या करना है, क्योंकि सब कुछ आ गया लेकिन अंदर तो वो खालीपन भरने की बजाय वो क्या हो रहा था, कम हो रहा था। इसका मतलब ये नहीं है कि घूमने जाने से या पैसा कमाने से हम कोई खाली हो जाते हैं, नो नॉट एट ऑल, हम बहुत भरपूर हो जाते हैं बाहर,
क्योंकि वो चीजें बनाई गई हैं बाहर की भरपूरता के लिए। तो हम में से बहुत होंगे जब हम बड़े हो रहे थे, हमने धीरे धीरे पहला साइकिल खरीदा, फिर पहला स्कूटर, पहला फोन, पहला मजा आता था ना एक एक नई नई चीज खरीदने में। अब जो बच्चे पैदा हो गए सब कुछ हो गए। इसीलिए इफ यू सी द चिल्ड्रन टुडे दे गेट बोर्ड वेरी इजीली, तो व्हाट टू डू नाउ नेक्स्ट। हम जब स्कूल में थे छुट्टियां थी 2 महीने, बैठे खाली ऐसा 2 महीने, बोलते थे मम्मी को हम बोर हो रहे हैं, तो कहते बोर हो मैं क्या करूँ, तुम्हारी छुट्टी करो जो करना। अभी तो 2 महीने पहले से पेरेंट प्लान कर लेता है कि ये 2 महीने इस बच्चे को बिजी कैसे रखना है। Why? Because they cannot sit with their own self. हमेशा किसी ना किसी चीज के अंदर अपने माइंड को इंगेज रखना है। खाली कैसे बैठेंगे, खाली बैठते हैं हम अपने आप के साथ बैठ नहीं पाते खाली। जैसे ही बैठेंगे माइंड में कोई ना कोई थॉट्स आने लग जाएंगे, और फिर उन थॉट्स से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हम किसी ना किसी चीज के साथ अपने आप को इंगेज कर लेंगे। आप में से लास्ट कब आधा घंटा खाली बैठा था डूइंग नथिंग, डू नथिंग बट नो रीडिंग, नो स्पीकिंग, नो वॉचिंग, नथिंग, जस्ट बैठिए आज करके देख लेगा। थोड़ी देर तो विड्रॉल सिम्टम होगा पहले, क्योंकि ये सामने बड़ा होगा खिलौना। इन खिलौनों ने हमें डिस्ट्रैक्टेड जीवन जीने सिखा दिया है। पहले तो हम बहुत खाली बैठते थे, सोचो लाइफ में बैठना है 2 घंटे, कुछ घंटे तो नहीं है, खाली बैठना है। अब हम कभी खाली नहीं बैठते हैं। कभी आप रोड में चेक करेंगे ना, दो गाड़ी में है, अगर खुद गाड़ी चला रहे हैं तो फोन तो नहीं देख सकते ना जब खुद गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन रेड सिग्नल तो आता है ना बीच बीच में। जस्ट वॉच द रोड इज द बेस्ट प्लेस टू सी द स्टेट ऑफ सोसाइटी। चेहरे दिखाई देते हैं, कुछ लोग अपने आप से बातें कर रहे होते हैं गाड़ी के अंदर, इतना माइंड चलता है जैसे ऐसे ऐसे चैटर हो रहा होता है। जैसे रेड सिग्नल आएगा ना 30 सेकंड्स का, फटाफट अपने मैसेजेस चेक करते हैं। That is the level of distraction that we have gone to, that we just cannot sit still. Now this is a sign that the mind is always, और फिर हम कहते हैं overthinking बहुत हो रही है, मन सोचना ही बंद नहीं करता है। जब ऐसा मन हो जाता है तो ये मन थोड़ा सा थक जाता है, और थका हुआ मन के पास ताकत नहीं होती है कि वो जीवन की सिचुएशंस में क्या करें, पावरफुल रह पाए। तो फिर हमने ऐसा समाज बोलना शुरू कर दिया, स्ट्रेस इज नॉर्मल। आपको लगता है स्ट्रेस इज नॉर्मल? थोड़े दिन पहले रक्षाबंधन था, सेंटर पर लोग आते हैं रक्षाबंधन के लिए, तो हमने सबको एक स्लिप दी थी, क्योंकि राखी बांध के गिफ्ट तो देने चाहिए ना, तो एक स्लिप दी थी कि आपको कोई एक चीज का आज वो करना है और बॉक्स में डालना है। तो एक 5 साल का बच्चा आया था, वेरी वेरी वेल टू डू फैमिली, एवरीथिंग भरपूर। तो ये सर इसका मुझे क्या करना है? अगर आपको एक चीज लिखनी है, इसमें आपको इसमें डालना है, क्या लिखेंगे, आपको क्या छोड़ना है? तो कहते हैं स्ट्रेस। एंड आई जस्ट लुक्ड एट हिम, आई सेड आपको स्ट्रेस का मीनिंग भी नहीं पता, स्ट्रेस क्या होता है? नहीं, मेरे को स्ट्रेस छोड़ना है। अच्छा आपको क्या चाहिए, क्या फील हो रहा है, क्या लग रहा है? कहते मेरे को यहाँ पे रिलैक्स्ड रहना है। तब मुझे समझ में आया उसको तो मीनिंग पता है। आई रियली थॉट ही डजंट नो द मीनिंग, आई थॉट ही जस्ट फिक्सिंग अप द वर्ल्ड फ्रॉम पीपल अराउंड हिम। ही सेड मुझे यहाँ रिलैक्स्ड रहना है। उसने पेन लिया, इतना बड़ा नो लिखा कैपिटल में, और फिर नीचे लिखा नो स्ट्रेस, और बॉक्स में डाल दिया। दिस इज अ 5-year-old चाइल्ड whose family has everything that money can buy. And it's a very lovely family. Aisa nahi ki family mein koi ye sab chal raha hai. Very beautiful. It's the state of mind of the child. Ab 5 saal ki age mein kya pressure? Kya situation hai, kya challenge? Kuch nahi hai. Child psychiatry aa chuki hai hamare desh mein.
चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट, जो बच्चों के अंदर की डिप्रेशन, एंग्जाइटी और ये सब चीजों को पढ़ते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस दुनिया में सबको सबसे पहली चीज क्या चाहिए? क्या चाहिए? छोटे छोटे बच्चे जाते हैं साइकाइट्रिस्ट के पास आजकल। अगर ये रिट्रीट सेंटर में चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट आए थे, तो आपके पास कौन सी एज में बच्चे आते हैं? कहते 1 month। I said, what? He said, yeah, 1 month was just so hyper. I said, कैसे ऐसे क्यों हो गया? कहता, आप बताओ हमें क्या बताओ, हमारे पास तो आते हैं, हमें तो इलाज करा। तो इसके दो रीजन बनते हैं, दो रीजन है क्यों बच्चे बहुत छोटी एज से ये स्ट्रेस, एंग्जाइटी और ये सब चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसके दो रीजन बनते हैं। सबसे पहली चीज, बच्चा मतलब क्या? बच्चा मतलब क्या? बच्चा मतलब अ सोल इन अ कॉस्ट्यूम ऑफ 5 year old बॉय। ठीक है, तो मैं आत्मा अभी इस शरीर में हूं, मैं कहती हूँ स्ट्रेस इज नॉर्मल, एंगर इज नॉर्मल, वरी इज नॉर्मल, एवरीथिंग इज नॉर्मल। यहां से मैंने शरीर छोड़ा और शरीर छोड़ के माँ के गर्भ में एंटर कर दिया। अब आप मेरी जर्नी देखते जाना हा? अभी पहले इस शरीर में है, स्ट्रेस, जेलेसी, कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म, ये सब नॉर्मल नॉर्मल जीते जीते एक सेकेंड में शरीर छोड़ा, माँ के गर्भ में प्रवेश किया। वो माँ पिता भी कहते हैं स्ट्रेस इज नॉर्मल, तो वो बच्चा गर्भ में है और गर्भ पे पेरेंट के संस्कारों का असर पड़ रहा है और पेरेंट भी कहते हैं स्ट्रेस इज नॉर्मल, जेलेसी इज नॉर्मल, मतलब वो जीवन में उन इमोशंस को जीता है। तो पहले वो आत्मा वो संस्कार लेकर दे, फिर वो 9 months जब संस्कारों का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है तो पेरेंट भी क्या कर रहा था, वही संस्कार क्रिएट कर रहा था। हम सब जब पैदा हुए थे तो हमारे मदर को कहा जाता था श्री कृष्ण की फोटो देखो वैसा बच्चा है, कहा होता था या नहीं होता था? आजकल मदर किसकी फोटो देखते हैं? फिर हम कहते हैं आजकल के बच्चे ऐसे कैसे हो गए, तो मदर के पास तो ऐसे फोटो ऐसे ऐसे, पहले मदर के पास एक ही फोटो थी सामने टंगी हुई है, यहाँ तो हर सेकंड फोटो बदल रही है। एंड ड्यूरिंग दोज 9 months भी वो इतनी चीजें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं और क्रिएट कर रहे हैं वो इमोशन, तो वो बच्चे पे कितना असर होगा उसका? तो वो बच्चा बड़ा होके नहीं, बचपन से ही हाइपर होता है। हमें पहले बोल दो बैठ जाओ तो हम बैठ जाते थे, उठो तो चलो, अभी तो एक जगह नहीं बैठते, जंपिंग अराउंड एवरीवेयर। एंड अगर आज कोई जंपिंग अराउंड नहीं कर रहा कहता आपका बच्चा बड़ा नॉर्मल है, एक ही जगह बैठा हुआ है, ये कैसा बच्चा है? तो हमारी नॉर्मल की डेफिनेशन पूरी तरह से चेंज। अगर आप आज बाहर जाओ किसी को बोलो मुझे बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होता, कहते बड़े अब नॉर्मल हो, आपको स्ट्रेस नहीं होता। सो वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड जहां अनकंफर्टेबल चीजों को नॉर्मल कह दिया है, तो इसका मतलब वी शुड बी वेरी अवेयर कि इतने थोड़े से सालों में, हिस्ट्री तो है नहीं है, ये अपने जीवन काल की बातें हैं, इतने सालों में हम यहां तक पहुंचे हैं। अगर हम अभी भी कुछ चेंज नहीं लाएंगे अपने जीवन में तो और 5 साल तक हम कहां पहुंच जाएंगे? स्ट्रेस वर्ड जब शुरू हुआ था ना, अगर हमने तभी कुछ चेंज कर लिया होता वही कमी खत्म हो जाता, लेकिन बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। अब आजकल स्ट्रेस नहीं बोलते, कहते हैं वेरी डिप्रेस्ड, द वेदर इज ऑल्सो वेरी डिप्रेसिव, आई नीड टू सी अ साइकोलॉजिस्ट, ऐसे बोलते हैं दूसरे को, आई नीड टू सी अ साइकोलॉजिस्ट। पहले हमारे जमाने में तो देखने में जाते थे तो बताते ही नहीं थे किसी को कि आप गोइंग टू सी अ साइकोलॉजिस्ट, आई नीड टू गो टू सी। इट्स अ वेरी वेरी फास्ट चेंज, इट इज गोइंग टू बी सो फास्ट कि ये हमारे हाथ से स्लिप हो जाएंगे चीजें ऐसे। ऑल द मनी वी हैव, ऑल द मनी वी हैव कैन नॉट हील दीज थिंग्स, हम सिर्फ दवाई लेके चल सकते हैं। आप डॉक्टर साहब को जाके बोले डॉक्टर साहब मेरा सारा पैसा दे दो, मेरे बच्चे का मन ठीक कर दो,
They can just give medicine and manage the symptoms. वो ही साइंस है। अब इसके ऊपर जिम्मेवारी किसके ऊपर है? अब हम उस माहौल में चल रहे हैं कि काइंडनेस एंड कंपैशन बाहर नहीं किसी के लिए, पहले काइंडनेस एंड कंपैशन कहाँ चाहिए? कहाँ चाहिए? कहाँ चाहिए काइंडनेस एंड कंपैशन? सबसे पहले अपने घर, और उसमें भी सबसे पहले किसके प्रति काइंडनेस एंड कंपैशन चाहिए? Be kind to yourself. If I am not kind to myself, if I am not kind to myself, I cannot be kind to anybody. क्योंकि मेरे पास वो है नहीं। अगर आप ये कहें अपने लिए कि मेरे पास टाइम ही नहीं है अपना ध्यान रखने के लिए, You're not being kind to yourself. आपका मन रो रहा है, लेकिन आप 10 मिनट निकाल के उसके साथ बैठ के उसको ठीक करने का टाइम नहीं, आप उसको रोते हुए चलाएंगे सारा दिन, तो वी आर नॉट बींग काइंड टू आवरसेल्फ।